पर आगे देख लो लगाने का है नहीं, मतलब अलग से लगाना पड़ेगा। अगर बोल रहा था थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था ये अंकल जी भयंकर, दो दो लड़कियों को बैठा रखा और हमारी सीट साली खाली रहती है, सीट का वो लगाना पड़ता है। तो भाई खतरनाक वाले रिएक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई अपनी बीस्ट खड़ी है, खतरनाक वाला व्यू आ रहा है सामने। सिमली और बहुत तरह के रोड में तहलका मचा देंगे। Hey guys, what's up? Welcome to the YouTube channel, the KD Zone. हाँ जी guys, कैसे हो आप सब लोग? तो एकदम मजे में होंगे। तो यार आपने देखा था कि भाई हम गए थे धारचूला राइड पे, का थर्ड पार्ट नहीं आ पाया बिकॉज मेरी किस्मत इतनी फूटी है ना, लास्ट वाले पार्ट में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मतलब जब मैंने एडिटिंग करते टाइम देखा तो मेरा मन करा कि भाई मैं चप्पल उठा के अपने सिर पे मारूं। पता नहीं मेरी इतनी फूटी किस्मत क्यों है। आज हम बनाएंगे खतरनाक सा व्लॉग, खतरनाक सी राइड करेंगे एक स्पेशल चीज पे, एंड वो स्पेशल चीज क्या है वो आपको हम फाइनली दिखाते हैं। गाइस यहाँ पे अपनी ड्यूक 390 जिसका नाम है भाई बेल्ला, हेलो बेल्ला। आज भाई लोग हम इसी में एक खतरनाक वाली हाइपर राइड, एक मस्त सी राइड करने वाले, एक शॉर्ट स्पिन राइड करने वाले हैं। एंड आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई हमारी आरआर कहां गई, ये 390 यहां कहां से आई, किसकी है भाई? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा फ्लैशबैक में, तो आप फ्लैशबैक में जाओ, देन उसके बाद मिलते हैं डायरेक्ट मोटर व्लॉगिंग सेटअप पे। फ्लैशबैक। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भाई गोपेश्वर, और यहां पे अपने साथ है ड्यूक 390 और वो रही अपनी आरआर 310। वो ये अपने हिमांशु भाई की, तो हिमांशु भाई की बाइक है 310, अब जाएगी कुछ दिनों के लिए हिमांशु भाई के पास। हमारे पास होगी ये धन्नो, ये हिमांशु भाई का चैनल गियर एक्सपर्ट, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है? यहाँ पे मेंशन करा होगा मैंने। फाइनली गाइस भाई निकल गए हैं हम इस धन्य को एक प्यारी सी राइड पे लेके। बाकी आपने देखी देखोगे भाई ये बाइक किसकी है और आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ भाई मैंने और हिमांशु भाई ने कुछ दिनों के लिए ना अपनी बाइक चेंज कर दी है। तो आने वाले 10-15 ब्लॉग ना गाइस आपको इसी में दिखने वाले है। तो जो जो 390 लवर है भाई वो तो एकदम मजे में आ जाए। और भाई शाम के टाइम निकला है इसको राइड पे लेके, और मौसम तो पूरा प्यारा ही रहता है शाम के टाइम को। आज हमारे साथ ये बीस्ट है तो मजा ही आ जाएगा एकदम। मेरा एक छोटा सा काम था गोचर साइड, वैसे मुझे सुबह जाना था, बट अभी निकलता है भाई और राइड भी एंजॉय करता है थोड़ा। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये रही बाइक ड्यूक 390 BS6, आप देख सकते हो भाई सामने से कितनी प्यारी लगती है हैंड गार्ड निकाल के। तो फुल ऑन एड्रेनलिन रश आज करेंगे भाई रोडों पे, सिमली और गोचर के रोड में तहलका मचा देंगे। चलो भाई पहले शुरुआत, पहला ओवरटेक। आप पे गाइस ये BS6 है तो भाई इसमें क्विक शूटर भी है, गियर हम बिना क्लच दबाए बता सकते हैं। ये देखो चौथा गया, ये पांचवा गया। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं भाई कर्णप्रयाग। ये आप देख सकते हो भाई हमारा टाउन यहाँ पे पूरा मस्त सा सेक्सी सा। ये आप देख सकते हो भाई ये रहा अपना मेन मार्केट। तो गाइस आपको करना क्या है भाई, हिमांशु भाई का चैनल जो गियर एक्सपर्ट के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करना है। बाकी आज की राइड तो पूरी खतरनाक हो रही है भाई, तो यहाँ से भाई थोड़ा खींचेंगे 390 को एकदम फुल पावर। अभी हम आ चुके हैं कुछ इस तरीके की जगहों में जहाँ पे भाई ऑफ रोड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रोड की ना कंडीशन खराब हो रखी है एक्चुअली, यहाँ पे रोड वोड बनती रहती है तो इस वजह से खराब रहता है। फुल पावर भाई चलते हैं ऑफ रोडिंग करते हुए ड्यूक 390 पे। अंकल जी भयंकर, दो दो लड़कियों को बैठा रखा और हमारी सीट साली खाली रहती है, सीट काउ लगाना पड़ता है। देख रहे हो तुम, मतलब सीट काउ लगा रखा है पीछे, और भैया को देखो दो दो लौंडियाँ। कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना टाइम आएगा। अब तो सुपर बाइक की जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है शहरों में, तो हमारे लिए तो भाई यही एक सुपर बाइक है भाई। एंड गाइस कल जब हमने 310 को दिया ना भाई, उस टाइम हमको ना 310 के साथ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, नंबर प्लेट नहीं थी आगे, इस वजह से। भी आपको वाली क्लिप दिखा दो वहाँ पे क्या हुआ, आप लोग देखो भाई वो सीन पूरा। फ्लैशबैक। सर मेरा सर एक्सीडेंट हुआ था ना सर, वो RTO में अप्लाई करने के लिए दिया अभी थोड़ा, ये तो 21 है। तो बोल रहा था थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पास क्लिप भी पड़ी है सर, तो इसलिए वो टूट गया था। तो मैं कर्णप्रयाग से हूँ, सर कर्णप्रयाग का हूँ रहने वाला। सर यहीं पर आ गया था सर, यहाँ पे भी दोस्त हो, आगे तो नहीं लगती, पीछे मेरी गिर गई थी, एक्सीडेंट हुआ था ना सर। सर आगे देख लो लगाने का है नहीं, मतलब अलग से लगाना पड़ता। अगर सर स्टिकर लगाएं आगे, मतलब ठीक है सर, थैंक यू सर। RR 310 है सर। तो आपने देखा यहाँ पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था हमको वापस से, पुलिस वालों की दिल से इज्जत करता हूँ। ये वाले जो पुलिस वाले थे ना, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर थे भाई, सच में दिल से सैल्यूट है भाई उत्तराखंड पुलिस को। काफी अच्छा लगा भाई, तो मैंने डाल दिया भाई ये। कोई बाइकर आदमी लीन करके आएगा तो लुढ़क ही जाएगा। ये देखो भाई फेंक दिया ये बाइक पूरी। तो फाइनली गाइस भाई पहुंच चुके हैं वापस से गोचर। आज भाई आपको थोड़ा गोचर भी दिखाएंगे, गोचर से हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, कौन कौन देख रहा है भाई गोचर से कमेंट में जरूर बताना।
सामने भाई हमारे कोचर का फील्ड जहाँ पे लोग क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भयंकर मतलब एकदम ओपी सीन्स। तो फाइनली गाइस वी आर इन मार्केट। क्या हाल है? हाँ, न्यू ब्लॉग कब आया? न्यू ब्लॉग देखते हैं यार, अभी मैं यही बना रहा, शायद इसको एडिट करके डाल दूंगा अगर टाइम मिल गया, ना कल डालूंगा। अभी मैं आपको इसका ना क्विक शूटर के बारे में बताता हूँ, मैं तो दूसरे पे हूँ तो ये मैं तीसरे पे चले गया भाई इजीली, बिना क्लच को मैं हाथ भी नहीं लगा रहा है। चौथा भाई एकदम सॉफ्टली जा रहा हूँ, पाँचवा छठवा हल्का सा आपको थ्रॉटल में कंट्रोल करना पड़ता है, पर सब देखोगे गाइस तो आपको पूरा का पूरा गोचर दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे भाई अपनी बीस्ट खड़ी है, खतरनाक वाला व्यू आ रहा है सामने एकदम गोचर का। गाइस सामने भाई खतरनाक लोग, तो भाई खतरनाक वाले रिएक्शन यहाँ पे, लड़की बोलने लगी ओ भाई साहब, बल लौंडा बोल रहा केडी है क्या भाई? हाँ भाई मैं ही हूँ, हारा भाई केडी इज हियर। क्या कहते हो गाइस, इनको एक ओवरटेक, बिल्ली मार के ओवरटेक करे इन लोगों को। छपरी वाली हरकत मैं करना नहीं चाहता, पर पता नहीं क्यों करने का मन कर रहा है। फाइनली गाइस वाले ब्लॉग को नहीं पेंट करते हैं भाई, सिंपल सा रॉ ब्लॉग था, इवनिंग राइड टाइप। तो मिलते कैसे एक्साइटमेंट के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, साथ।